guys, welcome to our channel TDD The Duo Diaries. I'm Neha and आज मैं बहुत excited भी हूँ और साथ में थोड़ी बहुत nervous भी हूँ क्योंकि ये मेरी जो journey है ये first time मैं travel कर रही हूँ by flight and I'm going to some place. वो कौन सी जगह है वो आपको इस video के end में पता चलेगी. मेरे family members ने, मेरे husband ने, सब ने बहुत guide किया है कि airport पे क्या क्या स्टेप्स है, कैसे करना है. तो मैंने सबकी बात तो सुनी है बट जाके खुद एक्सपीरियंस करना इज समथिंग डिफरेंट. सो आई होप आई विल बी एबल टू मैनेज टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज विच आर नीडेड इन एयरपोर्ट एंड द एक्सपीरियंस विल बी ग्रेट. सो आप भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाइए, मे बी आपको भी मजा आए. आई एम इन द कैब नाउ एंड हम जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 इन मुंबई. Guys, I have finally reached the airport and let's see आगे और क्या क्या procedures करने हैं मुझे. चलिए so guys I would like to share with you the steps which I followed क्योंकि अगर कोई मेरे जैसे first time travel कर रहा है तो उसके लिए शायद ये video helpful होगा. सो यहाँ पे उतरते ही, मतलब जैसे कैब से मैं उतरी और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट गेट्स थे लाइक एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो. तो आपने जहाँ की भी फ़्लाइट बुक की है आपको उसकी गेट से एंटर करना है एंड देन यू कैन आस्क एनीवन, दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल. और यहाँ पे जैसे मुझे इंडिगो की काउंटर के पास जाना था तो आई जस्ट रीच द इंडिगो काउंटर. बट उसके पहले जैसे आप गेट में एंटर करते हैं आपकी जो लगेज है उसकी सिक्योरिटी चेक होती है, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं. सो आई विल जस्ट शो यू द इंडिगो काउंटर एंड यहाँ पे मेरा लगेज जो था वो 13 kg का था. सो आई कैन नॉट कैरी विथ मी दैट लगेज इन द फ्लाइट. सो आई हैव जस्ट गिवन द लगेज टू देम एंड बाकी सब हैंड बैग्स वगैरह मेरे पास ही है. सो लेट्स सी द काउंटर ऑफ इंडिगो. हैप्पी के मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई है वो इस बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड से हुई है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग के यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ मिलेगा क्योंकि ये कुछ अननोन एक्सपीरियंस मैंने कभी देखा नहीं है. मुझे ये कार्ड क्यों मिला है ये यहाँ के मेंबर्स बताएंगे. वी आर हैप्पी टू सर्व मिस नेहा एंड वेलकम हर ऑन बोर्ड एंड फ्रॉम इंडिगो. दिस वॉज अ स्मॉल जेस्चर by which you know we can make the passengers happy. Thank you. Since she's making a very good video for the passenger to understand what is the airport journey and all, so that is the reason we wanted to thank her for the same. Thank you so much. Thank you so much. I'm very very happy because this is my first flight experience. Oh. I've never traveled from flight and this is really you know it means a lot to me. Keep flying Indigo please. Sure. Thank you. Thank you so much.
मैंने ऑलरेडी वेब चेक इन किया हुआ था यहाँ पर, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा. सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट आप लोग भी यू नो वेब चेक इन पहले से करके रखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी. मतलब ये प्रोसीजर एकदम क्विकली हो गया, बहुत टाइम भी नहीं लगा. एंड मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चले थे, अरे कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, बट ऐसा इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी प्रोसीजर है. हाँ, यहाँ पे मुझे वो मेरी टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी पड़ी, क्योंकि नहीं तो आपको फिर यहाँ पे आके वापस टेस्ट कराना पड़ेगा. तो इससे बेटर है कि आप पहले से ही अपना टेस्ट करके रखें कोरोना का जो भी है, एंड के नेगेटिव रिपोर्ट आया है एंड तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पर. सो नाउ लेट्स सी अब आगे और मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ. बी विथ मी. सो गाइज, वी नीड टू स्कैन द बोर्डिंग पास हियर एंड देन वी कैन गो फ्रॉम दिस गेट. हमने ये गेट क्रॉस कर लिया है एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फ्लाइट. नाउ देयर इज वन मोर चेक इन प्रोसीजर एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गो फ्रॉम हियर. So now after one more security check of mobile phone, laptop, everything, we are moving towards the boarding gate. So after the security check, we saw different cafes and बहुत सारे shops थे time pass करने के लिए airport पे आए. और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे information desk है, आपको वो guide करेंगे आपको कौन से gate से आपकी flight जो है वो board करनी है. जैसे I am going to board my flight from gate number 47. So now I'll try to capture the boarding moment. I'm in the flight. Excited.
Guys, I finally reached my destination. I am in Goa now, and about the flight experience, I want to share that it was amazing. And ऐसे लग रहा था कि शूट करूँ या बाहर देखूँ, दोनों भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस शूट भी करना था. सो आई वॉज़ एबल टू मैनेज बोथ एंड इट वॉज़ रियली अमेजिंग. थोड़ा सा मोशन सिकनेस हुआ था, बट इट्स ओके. एंड बाद में कान बंद हो गए, बट अभी नाउ इट्स नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. आई गेस अब जो फ्लाइट में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं उनको ये सब पता होगा. सो या सो नाउ होपिंग के यहाँ गोवा में और ज़्यादा मस्ती फन वाले वीडियोस अब तक मैं पहुँचा सकूँ. आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कॉमेंट भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय.